साहेब बीवी गैंगस्टर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये दुनिया इंटरेस्टिंग है, इस दुनिया की कहानियाँ बहुत कहीं नहीं जाती हैं। ज़्यादातर अर्बन स्पेस में रह के काम होता है या तो फिर स्मॉल टाउन की वो लव स्टोरीज होती हैं। इस जो एक पुरानी रॉयल्टी का पतन और उस तरह से उस पतन में से निकले हुए किरदार, उनके बीच में द्वंद्व और वो ड्रामा, ये थोड़ा बायगॉन एरिया के बात करता है। लेकिन हाँ, 2018 की कहानी है, बट उन किरदारों की कहानी है जो कि आपको ज़्यादातर पेज थ्री में पार्टीज में ही कभी कभी अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, बट अंदर से ज़्यादातर सब बहुत खोखले हैं। तो मुझे दुनिया दोबारा क्रिएट 5 साल बाद आई है, पार्ट थ्री, तो एक बड़ा वक्फा है। तो इस दुनिया को दोबारा क्रिएट करने में मज़ा आता है मुझे। माही का किरदार के साथ ऐसा है कि माही का किरदार ही है जो कि एक्चुअली गेम की पहली बॉल को किक करता है, वो किक करती हैं तो सारा फिर वो प्रपंच की जो दुनिया है वो फैलने लगती है। तो वो मेरा ऐसा किरदार भी है जो कि एक पहले पार्ट में विक्टिम था, हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते थे, अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहते थे, वो अल्कोहलिक हो गई और थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक हो गई, बायपोलर किस्म का कैरेक्टर। दूसरी वाले में माही का थोड़ा कैरेक्टर बदला, उसने कहा कि अब मैं भी थोड़ा कुछ करना चाहूँगी, इरफान से कहती मुझे राजनीति सिखाओ, राजनीति करते कैसे हैं। और अब थर्ड पार्ट में वो टोटल फॉर्म में है, बड़ी नेता बन चुकी हैं और शी इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो उसका कैरेक्टर बहुत इवॉल्व होता है और बाकी के कैरेक्टर उसके एवोल्यूशन की वजह से थोड़ा इफेक्ट होते हैं। तो बड़ा इसलिए उसका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद भी आता है। जैसे आपने कहा भाई और जिमी, तो क्यों साहेब बीवी हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है साहेब बीवी का कि गैंगस्टर बदलता रहता है, रणदीप थे फिर इरफान थे। तो इस बार जो किरदार लिखा गया गैंगस्टर का वो बहुत ट्रैजिक है, हालांकि पहले दो भी बहुत ट्रैजिक थे वो सबकी। तो संजय दत्त से बेहतर कोई जहन में आया नहीं, क्योंकि आप जब संजय दत्त की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक एक्टर संजय दत्त, या जो रॉकी में जिसका डेब्यू हुआ था और जिसने वास्तव और ये तमाम फिल्में की हैं, उन्होंने याद है संजय दत्त, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हुआ है जिसको लेकर हम सबको पता है क्या हुआ है उनकी लाइफ में। तो वो मेरे कैरेक्टर के साथ वो पूरा जो पैकेज था संजय दत्त एज एन एक्टर और उनकी पर्सनल, वो पर्सोना बहुत परफेक्ट जा रहा था। हाँ, अच्छा है रिस्पॉन्स। आज तो ऑडियंस देखेगी, वो आज रिलीज में शाम तक पता चलेगा कि लोगों को कैसा पसंद आ रहा है। और मिक्स्ड है एज फार एज क्रिटिक्स आर कंसर्न, किन्हों को अच्छी लग रही है किन्हीं को नहीं अच्छी लग रही है, बट वो तो काम है उनका करना, वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया, जिसका वर्डिक्ट ऑडियंस के लिए बनाई है, क्रिटिक्स के लिए तो बनाई नहीं है। तो देखते हैं आज रात तक क्या होता है।